टिकेगी महाराष्ट्र की सियासत में। शुक्रिया अंकुश। एक और बड़ी खबर आपको बता दे, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बड़ा बयान आया है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का काम मुश्किल है। वसुंधरा राजे का बड़ा बयान, बहुत सारे लोग इस काम में फेल भी हुए हैं, पद और मद स्थायी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में संबोधन के दौरान वसुंधरा राजे का यह बयान। मदन राठौर को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। सबका साथ सबका विकास थीम को आगे बढ़ने का काम मदन जी को सौंपा गया है, मदन राठौर इस थीम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन उसके बाद वसुंधरा राजे कह रही हैं कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का काम बहुत मुश्किल काम है। पर हर व्यक्ति के समक्ष जब इस चीजों के बारे में सोचता है तो तीन चीज ध्यान में आने की जरूरत है महाराज। ये तीन चीज का बना होता है, पद, मद और कद। ये तीन चीज है जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थाई है नहीं, परंतु एक ही चीज है और वो है कद। जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं और कद फिर आपके साथ बना ही रहता है। मैं इसलिए आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यदि पद का मद हो जाता है तो उसका कम तो कद जो होता है वो कम तो हो ही जाता है। आज के दौर में ये होता रहता है, परंतु मैं जानती हूं कि वो आपके सामने आज एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कभी पद का मद नहीं करेगा और आप लोगों को सराखों पे लेकर आगे चलाने की बात करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी केजे शिवसन का। शिवसन, ये जो वसुंधरा राजे ज्ञान दे रही हैं पद और मद का, ये क्या सेंटर की तरफ है या जो नया अध्यक्ष बने हैं उनको सलाह दी जा रही है? ये देखिए, वसुंधरा राजे जब भी बोलती हैं तो उसके पीछे एक बड़ा मतलब भी सामने आता है। तो निश्चित तौर पर पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से केंद्रीय नेताओं ने दरकिनार कर रखा था, उस था कि वे अपनी बात कह सके, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी दावा कर रही थी कि राजस्थान में हैट्रिक लगाएगी, लेकिन उसे तब करीब 11 सीटों का नुकसान हुआ। उसके बाद आज पहली बार वसुंधरा राजे ने इस तरह का शब्द बोला है कि पद का अहंकार कद को खत्म कर देता है। ये इंडिकेशन देने की कोशिश की है केंद्रीय नेताओं के साथ साथ राजस्थान के उन नेताओं को भी जो कि उनको दरकिनार करते थे। जगह जो पोस्टर बीजेपी दफ्तर में लगते थे उससे उनकी तस्वीरें हटा दी जाती थी, उस वक्त भी उन्होंने कुछ नहीं बोला था, लेकिन आज उन्होंने अपने इस बयान के जरिए साफ कर दिया कि किस तरह से पद का अहंकार बड़ों बड़ों के कद को कम कर देता है। इससे पहले जो अध्यक्ष थे, चाहे बात सतीश पुनिया की जाए या फिर अभी जो सीपी जोशी जिनकी जगह मदन राठौड़ ने अध्यक्ष बने हैं, तो सीपी जोशी और सतीश पुनिया दोनों ही वसुंधरा राजे को बहुत ज्यादा शायद आज कभी आगे लाने की उन्होंने साथ लेकर चलने की कोशिश नहीं की है। तो उन्होंने एक तरह से बता दिया कि राजस्थान की राजनीति में इस तरह का अहंकार काम नहीं आता और अब सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा पार्टी और संगठन के लिए। शुक्रिया शिवत्सन तमाम जानकारी के लिए।